हेलो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी द हंड्रेड का मैच नंबर बीस है खेला जाएगा मैच ट्रेंड ब्रिज नोटिंगम के ऊपर मैच टाइमिंग है रात के ग्यारह बजे तो दोनों टीम्स की हम डिटेल से बात करते हैं पॉइंस्टेबल के थ्रू तो जो मैच ये होस्ट कर रही है टेंट रॉकेट्स पांचवें स्थान के ऊपर और कॉन्स्टेबल के ऊपर वहीं जो मेहमानी टीम है लंडन स्प्रेट ये सातवें स्थान के ऊपर है सेकेंड लास्ट पोजिशन के ऊपर अब बड़ी बात यह आती है टूर्नामेंट का बिजनेस एंड आ रहा है इस टूर्नामेंट का नियम ये कहता है इस टूर्नामेंट में आठ टीम्स खेलती हैं टॉप थ्री टीम क्वालिफाई करती है फॉर द प्ले ऑफ अभी ये दोनों टीम्स क्वालिफिकेशन की जो लाइन है उनके नीचे चल रहे हैं उनसे बाहर चल रहे हैं ट्रेंट रॉकेट्स ने चार मैच खेले हैं दो जीती है दो हारी है और नेट एंड ने इनका बेहतर है बस एक सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है प्लस के अंदर जीरो पॉइंट फोर सेवन फाइव है वहीं लंडन स्प्रिट की बात करते हैं चार मैचेस खेले हैं एक जीती है तीन हारी है और जो नेट एंड रेट है इनका माइनस में इनका सिर्फ प्लस के अंदर है इनकम माइनस में जीरो पॉइंट फोर है तो देखते हैं इस गेम में क्या होता है लंडन स्विट के लिए करो या मरो वाला गेम अब नहीं तो कभी नहीं तो देखने लायक मैच होगा बहुत से पॉइंट्स है डिस्कस करने लायक जैसे पिच के बारे में आपसे बात करूँगा डिटेल से फिर कुछ टैक्टिकल डेटा है कि, कि किस फेस के अंदर एक टीम की वीकनेस छुपी हुई है कहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जिस फेस में वीक पॉइंट है वहाँ से आप कई ऐसे प्लेयर्स पिक कर सकते हो फैंटेसी टीम में जो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं जैसे कि क्या होता है कई बार किसी टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत कमज़ोर होता है किसी टीम का टॉप ऑर्डर कमज़ोर होता है वो कमज़ोर होता है ना तो वहाँ पे बॉलिंग कौन करने आ रहा है उन प्लेयर्स को आप पिक कर सकते हो उस टाइम पे तो ये हेल्प करती है टैक्टिकल डेटा इस वे के अंदर फिर स्टैट्स हैं मैचअप्स भी हैं मज़ा आएगा बस तुम इंजॉय करो यार वीडियो को पूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फायदा क्या है लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है टेलीग्राम पर दे देता हूँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा फिर रिपोर्ट देखते हैं चलिए ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम के ऊपर मैच है जहाँ पर तीन अगस्त को रिसेंटली मैच हुआ था ट्रेंट रॉकेट्स और वेल्स फायर का अब उस गेम में हुआ क्या था हुआ कुछ नहीं एक बना था छः विकेट के नुकसान पे चेसिंग टीम ने एक बनाया था आठ विकेट के नुकसान पे तो जो ये टीम थी होम ट्रेंट रॉकेट्स ये टारगेट चेस नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पे हैरी रॉफ ने और डेविड पिन ने बहुत अच्छा स्पेल डाला था लास्ट के कुछ फे बॉल्स के अंदर और सैम हैन एक बहुत बड़ी वजह बने थे उस मैच के अंदर एक हार की उन्होंने पहले जो रूट को रनआउट करवाया उसके बाद राशिद राशिदन को रनआउट किया और फिर खुद ढंग से खेल ही नहीं पाए एक बना छः विकेट के नुकसान पे जैसिंग टीम ने एक बनाया बत्तीस आठ विकेट के नुकसान पर तो इस साल इस वैनिंग के ऊपर दो मैचेस हुए थे हंड्रेड के और दोनों मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए फिर इससे पहले जो टी ब्लास्ट के मैचेस हुए थे उनकी बात रहता हूँ सत्तावन बना चेज हो गया छः ओवर में एक सौ तिहत्तर बना चेस नहीं हुआ एक सौ पैंसठ बना एक सौ तिरपन चेसिंग टीम उन्नीस ओवर में चेस कर गई वन फिफ्टी फोर बना चेसिंग टीम एक सौ चौतीस बना पाई तो इस साल इस वन्य के ऊपर सात मैच हुए दो हंड्रेड के जो दोनों बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए और पांच मैचेस टी ट्वेंटी ब्लास्ट के जो पिछले वे थे उनमें दो मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए थे ये आपको ध्यान रखे ना ओवरऑल सात में से चार बैटिंग फर्स्ट रॉकेट्स का रिकॉर्ड आमतौर पर अपने घर पे बहुत अच्छा होता है, है। चौदह मैस पे जीती है प्रति और, और सात के आसपास रन बन रहे हैं एक हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है अगर आपको मैं कुछ डेटा दिखाना चाहूं तो वेट करिए ये डेटा आप देख सकते हो कि बाउंड्री परसेंटेज बाई ग्राउंड इन द मेन्स हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो जो वेन्यू है ना ट्रेंड ब्रिज नॉटिंगम यहाँ पे सत्रह परसेंट या सिक्सटीन पॉइंट फाइव के आसपास बाउंड्री परसेंटेज है और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर आपको बर्मिंग पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है फिर लेट फिर ओवर फिर आता है औसतन स्कोर देखा जाता है ठीक है कार्डिफ सबसे नीचे यहाँ पे रन बनते ही नहीं कार्डिफ और मैनचेस्टर बैक टू द दीबीडी चले तो जो सात मैचेस हुए ना इस वन के ऊपर इस साल फोर्टी सिक्स विकेट्स निकाला पेसर्स ने पहली बारी में पच्चीस दूसरी पारी के अंदर इक्कीस राइट हार्म पेसर चौतीस लेफ्ट आर्म पेसर बारह स्पिनर्स के छत्तीस विकेट है पहली पारी में चौबीस दूसरी पारी के अंदर बारह ऑफ स्पिनर्स का बारह लेग स्पिनर्स का नौ चाइनामैन का दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का तेरह विकेट है ये पिच ये स्टेडियम का व्यू पिच पे इतनी ग्रास नहीं होती है हल्का सा ड्राई सरफेस ही आपको देखने को मिलेगा वेदर फोकस इज क्लियर देयर इज नो साइन ऑफ वरी बढ़िया वेदर दोनों टीम्स से आपस में तीन मैच खेले टू वन से ट्रेंट रॉकेट्स आ गए इस वन भी एक बार आमना सामना हुआ ट्रेंट रॉकेट्स उसको जीती थी टॉम तो बेंटन एलेक्स एल्स ओपन करते हैं जो रूट आपको दिखेंगे वन डाउन सैम हैन रॉबन पवल राशिद खान ग्रिगोरी इमाद वसिन जॉर्डन थोम्सूड सैम कुक अब टीम क्या कर सकती है इनका दिमाग सनक गया तो एडम लाए थे तो टॉम तो अल्सुफ को ला सकती है इंस्टेड ऑफ सैम हैन बट मेरे हिसाब से ऐसा करना जाती होगी एक प्लेयर के ऊपर माइकल पेपर किटोन जिनिंग्स ओपन करेंगे ओली ऑलीपॉप फंडाउन है डेन लॉरेंस टू डाउन शिमरो नेटमायर आंध्र रसल मैट क्रिस्टाइल लियम डॉसन नैथानी सॉलिस्टोन डेनल वॉरल आपको दिख जाएंगे टीम्स पावर प्ले में कैसा बैटिंग करती है तो आप देखें ट्रेंड रॉकेट्स ने चार मैचों के अंदर सिक्सटी सेवन की एवरेज रखी है पावर प्ले में बहुत सही इनकी जोड़ी रही है विकेट जल्दी नहीं फेंकते ये वन फोर्टी का स्ट्राइक रेट है सिक्सटी सेवन एवरेज लंडन स्पेट सबसे नीचे पावर प्ले में सात विकेट लूज़ किया है इस टीम ने बारह की औसत है लोएस्ट लोएस्ट लो स्ट्राइक रेट एटी एट का है सबसे कम रन लोएस्ट रन लोएस्ट स्ट्राइक रेट मोस्ट विकेट्स इन पावर प्ले इन्होंने गवाए हैं मिडल फेज इसके अंदर ट्रेंट रॉकेट्स ने चार मैचेस में तेरह विकेट लूज करें इक्कीस की औसत है स्ट्राइक रेट एक सौ पच्चीस का है लंडन स्मिट सोलह विकेट लूज़ किया पंद्रह की औसत एक सौ पंद्रह का स्ट्राइक रेट है इस फेज के अंदर भी लंडन हार रही है डेथ और उसमें देखते हैं हम जरा ट्रेंट रॉकेट्स चार मैचेस में चौदह विकेट लूज कर चुकी है डेथोर में नॉकी एवरेज है बहुत ज्यादा विकेट लूज करें वन फोर्टी फोर का स्ट्राइक रेट है लंडन स्प्रेड दस विकेट लूज कर चुकी है इनका भी सेम वही हाल है देर इज नो डिफरेंस पावर प्ले की हम जब बात करते हैं लंडन ये खुद भी पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट गवाती है और सबसे ज्यादा विकेट भी यही निकालती है चार मैच में सात विकेट सेवन पॉइंट थ्री की इकोनॉमी है और ट्रेंट रॉकेट्स ने चार मैच में पांच विकेट निकाला पावर प्ले में इकोनॉमी बहुत एक्सपेंसिव है नाइन पॉइंट थ्री की मिड फेस के अंदर लंडन स्विट ने चार मैच में नौ विकेट निकाला है आठ की इकोनॉमी है ट्रेंट रॉकेट्स ने पंद्रह विकेट निकाले मिड फेस में डेथ ओवर्स के अंदर लंडन स्विट ने चार मैच में आठ ट्रेंट रॉकेट्स ने चार मैच में सात विकेट निकाले एलेक्स एलेक्साइल्स तीन मैच फोर्टी टू रन बैटिंग पर है मूडी प्लेयर है पिछले दो गेम में ठीक ठाक दिखे हैं अड़तीस और तेईस रन की पारी खेली ओवरऑल इस रन पे एक सौ आठ मैच खेले हैं इनका घर है आप कह सकते हैं बत्तीस सौ रनस बत्तीस की औसत दो शतक चौबीस अर शतक है एक सौ सात इनिंग्स के अंदर टॉम बेंटन का दो मैच में जीरो और दो रनस है एक कैच पकड़ा है मैंने अगेंस्ट दिस टीम लंडन स्पिट रन के ऊपर चार मैच में बत्तीस रनस बैटिंग पर जीरो चेस पे नौ सात और सोलह है दो कैचेस है जो रूट क्या जो सबसे बेस्ट स्कोर है दंड्रेड का ऐसी टीम के अगेंस्ट आया था बेहतर का चेस करते हुए दो सौ का स्ट्राइक रेट था कुछ तीस पैंतीस गेंदों गंदरी बना दिया था बारह की इकोनॉमी थी पंद्रह बॉल का स्पेल भी डाला था उन्होंने वेन्यू पे ग्यारह मैच दो सौ इकतीस रन छः विकेट्स हैं दमदार प्लेयर है ये बड़ा खास क्रिकेटर है लॉर्ड्स पर आई थी वो पारी बेहत्तर रन की सैम एन एट ट्वेट खेला था बट बैटिंग नहीं वेन्यू पे तेरह मैच में पाँच सौ छियासठ रनस है बहुत ही क्लास प्लेयर है नंबर्स अगर आप ध्यान से देखें बैटिंग फर्स्ट में बहुत स्पेशल रहा है कंपेयर टू तो बैटिंग सेकंड रॉबर्न पॉल का दो मैच में पैंतीस इक्कीस नाबाद और चौदह चीज पे है राशिद खान का दो मैच में पांच विकेट है बहुत सही नंबर है इस टीम के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है आठ मैचेस में ग्यारह विकेट इस वेन्यू पे चार बार विकेटलेस गए इस नहीं ग्यारह विकेट जो निकाले हैं ना चार मैचों में ही निकाले हैं बाकी चार मैच में विकेटलेस ग्रिगोरी का तीन मैच में जीरो विकेट है पच्चीस बॉल डाल चुका है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए वहनी पे सत्रह मैच तेरह विकेट जब से जो रूट इस टीम में आए इनका रोल थोड़ा कम हो गया विद द बॉल पहले पंद्रह बॉल तो डाल रहे थे अब जो रूट आके दस से पंद्रह बॉल डाल रहे हैं तो ग्रिगोरी के चांसेस विद द बॉल कम रहे हैं जॉर्डन थॉम्पसन सोचो पाँच बॉल डालता और सात रन देता है उसको बॉल नहीं दी जा रही है ग्रिगोरी को दे रहे हैं उधर अल्डूकुडू को दे रहे हैं अब मेरे को थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट लगा जो आपको एक बार मैच जीता के दे चुका है हारा हुआ आप उसको बैक ही नहीं कर रहे हो जल पांच बॉल में सात रन खराब थोड़ी था यार जॉर्डन धोमसन आठ मैचों में चार विकटें एट पॉइंट एट की इकोनॉमी एक। एक्स क्रिकेटर है लंडन का जी हाँ हिमाद हुसैन का सत्रह मैच में इक्कीस विकेट है बॉलिंग फर्स्ट दस में दस बॉलिंग सेकेंड सात मैच में ग्यारह लेगवुड तीन में दो विकेट्स हैं बॉलिंग फर्स्ट दो में दो और बिल्कुल खास टूर्नामेंट नहीं गया भाई का सीरियसली कहूँ तो मैं चार मैचों में दो विकेट निकाले इस साल अट्ठाईस मैच में तेईस विकेट है जिस वेन्यू के ऊपर भी कोई खास नंबर्स नहीं है बट लेट्स होप अच्छा करे सैम कुक एवरग्रीन दो मैचेस में चार विकेट वैन्यू के ऊपर ग्यारह मैच में तेरह विकेट वेरिएशन बहुत अच्छे हैं ऑलि रॉबिन एडम लाइथ को भी टीम खिला सकती है पिछले मैच में लिकवुड ने पहली दस बॉल डाली हिमाद वसीम ग्यारह से पंद्रह इक्कीस से पच्चीस इक्यावन से पचपन छिहत्तर से अस्सी सैम कुक सोलह से बीस इक्यानवे में से सौ सोलह से तीस थर्टी सिक्स टू फोर्टी राशिद इकतीस पैंतीस से इकतालीस पैंतालीस इकहत्तर पिचहत्तर छियासी नब्बे जो रूट फोर्टी सिक्सटी टू सेवनटी एटी वन टू एटी फाइव जॉर्डन थॉमसन फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी माइकल पेप पंद्रह रन से बैटिंग फर्स्ट है खेला फॉर्म बीस तीन सोलह बारह बीस इस तरह जरा टी ट्वेंटी ब्लास्ट में बहुत बढ़िया फॉर्म में था थर्ड या सेकंड आई एस स्कोर था टूर्नामेंट का यहाँ रन ही नहीं बन रहे भाई से टोन जेनिंग्स छः मैच खेले हैं स्टन के ऊपर वन सेवेंटी सिक्स रन तीन बहुत अच्छी नोक आई है तैंतीस वाली पचपन चेस पे चौंसठ और इक्कीस और तीन भी है देखते हैं कैसा खेलता है इस गेम के अंदर ये रिसेंटली रॉयल लंडन वनडे कप खेल रहा था ऑली पॉप हेड ट्रूड वेन्यू नहीं फॉर्म चार बारह पंद्रह जीरो बट लेट्स होप सामने किस तरह के बॉलर होंगे मैचअप्स देख के मैं आपको बताता हूँ ऑट द लास्ट इसको लेना है नहीं डैन लॉरेंस का दो मैचस में सौ रन है सात और नाइन्टी थ्री वेन्यू कीपर दो मैचस में चौदह रन से सात बैटिंग फर्स्ट एक चेस पे एक विकेट भी है बॉल सेकेंड करते हुए शिमर हेड ट्रूड वेन्यू एट टू प्ले आंध्र रेवर्सल सोलह रन बना चुका है अंदर बैटिंग फर्स्ट और जीरो विकेट है मैट क्रिस्ट चाली का दो मैच में एक विकेट है पचपन रन की जो उसकी बेस्ट नौ रूट की हमने देखी थी और वो इसी वेन्यू भी थी रन की ट्रेंड ब्रिज पे पे ओवरऑल इस वेन्यू छह मैच में एक सौ सत्तर रन पे रन अच्छे बनाते हैं तीन विकेट है बॉलिंग फर्स्ट चार मैच में दो बॉलिंग सेकेंड एक में एक लियम डॉसन का तीन मैचेस में दो विकेट एवरग्रीन प्लेयर है सदा बार कहीं पे भी खिला लो उसको पहले मैच में पैंतालीस रन जीरो विकेट छत्तीस रन दो विकेट चार रन तीन विकेट लास्ट मैच में जीरो रन एक विकेट ओवरऑल इस वनवे पे चार मैच खेला है चालीस रन यहाँ पे भी बनाया चार विकेट निकाल चुका है ऑल स्टोन बारह मैचेस में ग्यारह विकेट्स हैं इस वनवे पे और तीन में तीन बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड आठ मैचेस में आठ विकेट है नॉटिंगम के लिए खेलता है प्लेयर इस साल साइन हुआ था नॉटिंगम क्रिकेट काउंटी क्रिकेट के लिए एलिस का दो में दो विकेट बॉलिंग सेकंड पैंतीस बॉल डाल चुका है के ऊपर एक मैच में एक विकेट का बॉल सेकंड एट पॉइंट फोर की इकोनॉमी है डैनल वॉरल का दो विकेट का बॉल सेकंड सात की इकोनॉमी है डैनल बिलरमंड चौबीस रन बैटिंग फर्स्ट के ऊपर भी चौबीस रन है एडम रॉशिंगटन का तीन मैच में सात रन है के ऊपर चार मैच में फोर्टी एट रन और भी प्लेयर्स हैं जो गिल्लिश यार पता नहीं क्यों नहीं खेल रहा मेरे हिसाब से अनफिट है फिट होता तो सीधा ग्यारह में स्लॉट होता है प्लेयर बिना सोचे टीम उसको खिलाती बट आई थिंक इसको हमेशा बैक के अंदर दिक्कत रही है इसका पूरा करियर ऐसे ही तबाह हुआ है हमारे रवि भोपारा जी दो मैचेस में बत्तीस रनस वेन्यू के ऊपर छः मैच में एक सौ तैंतीस बहुत अच्छे फॉर्म में था अभी टी ट्वेंटी ब्लास्ट में कई प्लेयर्स ने टी ट्वेंटी ब्लास्ट का फॉर्म इंप्लीमेंट किया जैसे कि कई प्लेयर्स हैं जो टी ट्वेंटी ब्लास्ट में अच्छे फॉर्म में थे यहाँ पर भी अच्छे फॉर्म में आए एक अब डैनियल यूक्स नाम उनका वो एक ही मैच खेले बेचारे कई ऐसे प्लेयर थे जो टी ट्वेंटी प्लास्ट में बहुत अच्छे फॉर्म में थे बट यहाँ इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो उसमें रवि भोपारा का नाम आता है उसमें नाम आता है माइकल पेपर का वरल पहली दस बॉल इक्कीस से पच्चीस ये इनका रोल होता है पंद्रह बॉल डाल देते हैं पावर प्ले में ऑलि स्टोन ग्यारह से बीस छिहत्तर से अस्सी नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव लियम डॉसन छब्बीस से तीस इकतालीस से पैंतालीस इकसठ से पैंसठ लॉरेंस इकतीस से पैंतीस छप्पन से साठ एलिस छत्तीस चालीस इक्यावन पचपन एट्टी सिक्स 96, एइंटी सिक्स तो सौ क्रिस्चअली फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्सटी सिक्स टू सेवेंटी एटी वन टू फाइव रसल ने इकहत्तर से पिछहत्तर पाँच ही बॉल डाली थी सीरीज टॉम बेंटन अप अगेंस्ट डीएम डॉसन वो मैचअप आपको शायद देखने को मिलेगा ही छह इनिंग्स में तीन बार आउट के थर्टी नाइन बॉल में फिफ्टी फाइव रन दे भोपारा ने इसको चार इनिंग्स में दो बार आउट के ग्यारह बॉल में सात रन हिल्स का ऐसा कोई मैचअप नहीं है जो मैं पॉइंट आउट करूँ उसने वॉरल को अच्छा खेला है ठीक मतलब उन्नीस बॉल में अठारह रन मैं यही नहीं कहूँगा एकदम अच्छा ही है ये चार इनिंग्स में एक बार आउट हुए डॉसन के सामने पंद्रह बॉल में सत्रह रन है चार इनिंग्स में एक बार आउट हुई क्रिश्चली के सामने सत्रह बॉलों में चौदह रन तो ये दो तीन ऐसे प्लेयर्स हैं वॉरल और क्रिस्टली जिनके सामने स्ट्राइक रेट इनका सौ के नीचे है रसल को तो धोया है एलिस को भी इसने अच्छा खेला है ऑलिस स्टोन को आठ इनिंग्स में चार बार आउट हुआ है उनतीस बॉलों में उनचालीस रन बना के वो उनको आउट कर सकते हैं हार्डलैंड डाल के जो रूट भाई मज़ा आएगा उसकी पारी देखने में आज सैम एन कोई मैचअप नहीं है क्रिस चैली सत्ताईस गेंद तैंतीस रन पांच इनिंग्स में दोबार आउट किया है ठीक है लिय ग्रिगोरी वर्सेस निशम करामाती घान साहब अगेंस्ट आंध्रे चौदह गेंद बत्तीस रन पांच में दोबार आउट किया है वहीं हम बात करते हैं एडम लाइट हो चुके हैं पूरे कीटोन जैनिंग सब अगेंस्ट कैलिवन हेरिसन बट मुश्किल है बैटल वो लॉलीपॉप का नहीं है कोई मैचअप डैन लॉरेंस अप, अप अगेंस्ट लगाइए आप राशिद नौ गेंदों में सात रन है तीन इनिंग्स में दो बार आउट किया है वैसे इलेक्शम के सामने इस भाई साहब को बहुत दिक्कत है ग्रिगोरी ने तेरह बॉल में पंद्रह रन दे के तीन इनिंग्स में दो बार आउट किया ये डैन लॉरेंस जिस फेस में बैटिंग करने आएगा उसी फेस में ग्रिगोरी और राशिद खान बॉलिंग करने आते हैं शिमरन अप अगेंस्ट राशिद अठारह इनिंग्स में पाँच बार आउट है कोई खास बैटल नहीं है और लियम डॉसन ग्रिगोरी तीस बॉल तीस रन सात इनिंग्स में दो बार आउट किया है आंध्र अंदर गेंद बाहर राशिद चौवन गेंदों में एट्टी फोर रन खा चुके हैं चौदह इनिंग्स में चार बार आउट किया है लेफ्ट आर्म पेस को टीम्स ने कैसा खेला है लंडन स्मिट तीन मैच में सात विकेट दे चुकी है पंद्रह की औसत है वहीं जो दूसरी टीम है क्या नाम है इसका भाई हो क्या नाम है ट्रेंड रॉकेट्स तीन मैच में छह विकेट दिया है इन्होंने तेरह की औसत दोनों टीम्स ने लेफ्ट आर्म पिचर को इतना सही नहीं खेला है लेट स्मिन की जब हम बात करते हैं लंडन स्मिट ने चार मैच में पांच विकेट दिया अठारह की औसत है वहीं ट्रेंट रॉकेट्स ने चार मैच में तीन विकेट दिया फोटी टू की एवरेज है वन फोर्टी सेवन का स्ट्राइक रेट काबिल तारीफ well, है वेल शहर को आई मी लंडन फिट को दिक्कत आई है लेग स्पिन से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में अगेन दिस टीम प्लेड वेरी वेल ट्रेंट रॉकेट्स दो में तीन विकेट दिया यार पंद्रह की औसत है लंडन के पास लियम डॉसन है परेशान कर सकता है उसका फॉर्म भी बहुत अच्छा है और ट्रेंट रॉकेट्स को दिक्कत भी आई है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से ऑफ स्पिन वर्सेज ट्रंट रॉकेट्स इनको दिक्कत आई है तीन मैच में छः विकेट दिया है दस की औसत है डेन लॉरेंस ऑफ स्पिनर है उनके पास और तो और भाई साइन अप कर लेना अट्ठाईस परसेंट जी एस टी फ्री टी डी एस फ्री तीस परसेंट जो मिलता है सब फ्री है फ्री में खेलो आके आप ठीक है लिंक नीचे दिया है मैं भी फ्री में खेल रहा हूँ मजे मजे अपने सबके कॉमन कैप्टन राशिद खान अंदर रसल लिंक नीचे दिया है मैंने साइनअप कर लेना रेफर कोड स्टैट्स गुरु जी है जो आप चैनल का नाम देख रहे हो टॉम बेंटन अलग है थोड़ा सा जो रूट भी डिफरेंशियल बन सकता है सैम एंड लियम डॉसन कैन बी द आउट ऑफ द बॉक्स पिक्स अब देखो कीपिंग सेक्शन में सबसे बेस्ट टॉम बेंटन है माइकल पेपर का फॉर्म कंसर्न है तो मैं ट्राई तो करना चाहता हूँ लेकिन फिर वही है कि आप बाइस्ट हो जाते हो तो क्या मतलब अभी मैं देखो जो रूट लूँगा और डेन लॉरेंस लूँगा यहाँ से यहाँ आते हैं आंद्रे रसल लियम डॉसन हिमाद वसीम इंपॉर्टेंट पिक इसलिए है कि नई गेंद से बॉलिंग करता है और लंडन स्प्रिट नई गेंद से विकेट गवाती है यहाँ आ जाइए राशिद वॉल स्टोन को ले लीजिए बढ़िया फॉर्म में चल रहा है लड़का और सैम कुक को ले लीजिए बढ़िया रिदम में बॉलिंग कर रहा है एलिस एक इम्पोर्टेंट पिक हो जाता है अब आपके पास एक प्यार का ऑप्शन है और मैं अभी भी वही कहूँगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था द दंड्रेड में बड़ा सिंपल फंड है आपको पता ही है नियम स्टैगरेट का को कोई बोनस पॉइंट नहीं है द हंड्रेड के अंदर दे देखो आप क्या हो गया पटेल बनने जा रहा था मैं नेतागिरी करने वाला था थोड़ी देर में अभी और नेतागिरी करने ही नहीं दिया मेरे को इसने हैंग हो गया है पूरा ये तो आप ओरली समझ लो जब तक ये चालू हो देखते हैं ये डीट या मैं डीट तो इस पर कोई बोनस पॉइंट नहीं आया जैसे कि दो सौ का स्ट्राइक रेट होता है तो आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं टी ट्वेंटी के अंदर वो नहीं है यार तो ये फ़ायदा आपको यार भाई ज़्यादा हो गया आ जा मत करा मेरी पूरी ये देखो आप अदर पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है लगता है मेरे को पॉइंट सिस्टम नहीं बताने देगा आपको ठीक है सिंपल सा मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज़ तो इसमें होता क्या है कि द हंड्रेड में आपको कोई बैटर को बोनस पॉइंट नहीं मिलता ना बोनर का और इकोनॉमी का माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट भी नहीं मिलता आमतौर पर ज़्यादातर बॉलर माइनस में जाते हैं तो बॉलर्स के लिए टूर्नामेंट है ना बहुत सही रहता है द हंड्रेड स्पेशली फैंटेसी वाइज हम देखते हैं तो तो आप उनको बैक कर सकते हो ओवर द बैटर्स इसमें आपके पास ऑप्शन वॉरल का है। बट वही सिंपल सा फंडा बॉर को ले रहे हो तो आपको टॉप ऑर्डर निकालना पड़ेगा टेंट रॉकेट्स का उसमें हेल को निकालो फिर आप निकालो और प्लेयर्स को अभी फ़िलहाल मैं हिल्स ले लेता हूँ आपके पास वैसे सेवन का भी ऑप्शन है मैं ज़्यादा बाइश नहीं हूँ सीरियसली कहूँ बहुत बढ़िया प्लेयर है अच्छी क्रिकेट खेलता है वो बट क्या ही कहने अभी भाई के कैप्टनजी में सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए इस गेम में होगा जो रूट इस टीम के अगेंस्ट अच्छी नौकर खेली है नंबर्स अच्छे हैं वाइस कैप्टन में राशिद को कर देता हूँ इन्जॉय द गेम सी सून लियम डॉसन और आंध्र रसल भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ये देखो टीम जय एन्जॉय एंड ऑल द बेस्ट